वेलकम डियर रॉकर्ट, स्वागत है आपका राइजिंग बॉस इन गर्ल्स स्कूल मूवी में। इस मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि चाइना में कहीं पर बहुत सारी गाड़ियां एक खुफिया फैक्ट्री के पास आ रही हैं। एक गाड़ी में से फैक्ट्री की ओनर उतरती है, जो अपने साथ कुछ बायर्स को अपने महंगे प्रोडक्ट्स दिखाने के लिए लाई है। वो सबको एक गुफा में लेके जाती है और मैनेजर ओनर को बताता है कि नए ट्रक सांपों के साइज को बढ़ाने में अच्छी तरह काम कर रहे हैं। और तब पता चलता है कि ये औरत सांप की खाल बेचने का काम करती है। ओनर अपने बायर्स को बेस्ट प्रोडक्ट देने का दावा करती है और इसके बाद बायर्स को सांपों की क्वालिटी दिखाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई सांप दिखाई नहीं देता। अब ये देखकर ओनर और मैनेजर हैरान हो जाते हैं कि सांप गए कहाँ, और फिर मैनेजर सांपों को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें मालूम नहीं है कि सारे सांप वहीं पर मौजूद हैं और सभी उनको छुपकर देख रहे हैं। अब ओनर अपने आसपास देखती है, तभी उसके ऊपर कुछ चिपचिपा पदार्थ गिरता है और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो एक बहुत ही बड़ा सांप दिखाई देता है। इतने बड़े सांप को देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि अब करें क्या, और सांप ओनर को निकल जाता है और वहाँ छोटे छोटे बहुत सारे सांप आ जाते हैं और लोगों को काटने लगते हैं। अब इनको देखकर सभी अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता और बड़े सांप आकर सभी लोगों को निगलने और फेंकने लगते हैं। अब ये सब देखकर मैनेजर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बड़ा सांप उसका पीछा करते हुए गुफा से बाहर निकल जाता है। मैनेजर भागता हुआ एक कॉलेज के पास की चट्टान पर पहुंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कोई मदद मांग सके, सांप आकर उसको पकड़कर झाड़ियों में लेके जाकर उसका शिकार कर लेता है। अब सांप कॉलेज को देखकर और लोगों का शिकार करने की सोच लेता है। ये कॉलेज फ्लाइट अटेंडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए है और इसमें सिर्फ मॉडल जैसी दिखने वाली लड़कियों को ही एडमिशन दिया जाता है। यहाँ पर माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन और अच्छे से तैयार होने की ट्रेनिंग भी दी जाती है। यहाँ के स्टूडेंट्स को कोई आइडिया नहीं होता कि सांप ऑलरेडी कैंपस में आ चुके हैं और अब यहाँ क्या होने वाला है, ये तो बड़ा ही खतरनाक है। बड़ा सांप धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स को अपना शिकार बना रहा होता है और एक मोना नाम की लड़की को अपने लॉकर में सांप दिखाई देता है और फिर डर कर वहां से वो भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारे काले सांप घेर लेते हैं और मोना बहुत ही जोर से चिल्लाने लगती है। और मोना की चीखें सुनकर वहां एक चाओ नाम का गार्ड उसकी मदद करने आता है और फिर चाओ सांपों को झाड़ू से दूर करके वहां से फेंक देता है और मोना को लेकर भाग जाता है। और फिर काफी देर भागने के बाद चाओ और मोना सेफ जगह पर पहुंच जाते हैं और चाओ सिक्योरिटी हेड को सब इन्फॉर्म कर देता है कि यहां पर ये सब हो गया है। अब हालात को खराब होता हुआ देखकर मोना और चाओ सभी को सतर्क रहने के लिए ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन की तरफ भागते हैं और उसी वक्त प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स को कॉलेज के आगे प्लान के बारे में बता रहा होता है। तभी चाओ की आवाज सुनाई देती है और चाओ कैंपस में बहुत सारे सांपों के होने की चेतावनी देता है और फिर प्रिंसिपल इन्वेस्टर्स को शांत होने के लिए कहता है, लेकिन तभी लड़कियां हैरान होकर पीछे की तरफ इशारा करती हैं और पीछे देखने पर बहुत ही बड़ा सांप दिखाई देता है, जिसको देखकर सभी डर जाते हैं और सांप प्रिंसिपल को निकल जाता है। अब इसको देखकर बहुत ही खतरनाक भगदड़ मच जाती है। सांप लोगों को फेंकने लगता है और एक एक करके उनका शिकार करता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि बिल्डिंग में और बहुत सारे सांप घुस जाते हैं। पूरे कॉलेज में बड़ी खतरनाक हलचल मच जाती है। लड़की अपनी जान बचाने के लिए भागने लगती है और फिर मोना और चाओ भी ब्रॉडकास्टिंग सेंटर से निकलकर सबके साथ भागने लगते हैं, लेकिन बड़ा सांप सभी लोगों को फेंकने और निकलना शुरू कर देता है। अब ये देखकर चाओ मोना को वहां से जल्दी भागने के लिए कहता है और खुद बाकी लोगों को बचाने के लिए चला जाता है। मोना अपने दोस्त की मदद करती है, लेकिन इतने में सांप उसके रास्ते में आकर लोगों को निकलने लगता है। अब इस वजह से सभी लोग वापस क्लासेस की तरफ भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अब यहाँ दूसरी तरफ चाओ कुछ लोगों को बस के पास लेकर पहुंचता है, लेकिन वहाँ मोना के ना होने की वजह से चाओ वापस कैंपस में मोना को ढूंढने के लिए निकल जाता है। और मोना को ढूंढते हुए चाओ एक बड़ी बिल्डिंग के पास पहुंचता है जहाँ मोना छुपी हुई है। चाओ बिल्डिंग का गेट खोलने लगता है, लेकिन सांप उसके पीछे ही होता है और मोना चाओ को सावधान करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन चाओ गेट खोलने में इतना बिजी होता है कि उसको कुछ भी समझ नहीं आता। तभी इतने में सांप चाओ के बिल्कुल पीछे आ जाता है और चाओ के एहसास होने तक बहुत देर हो चुकी होती है और सांप उसको निकलने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, लेकिन जैसे तैसे सांप के वार से बचकर चाओ वहां से भाग जाता है और सांप भी उसका पीछा करता ही रहता है। अब भागते भागते चाओ जमीन पर गिर जाता है और एक बार फिर सांप उसका शिकार करने के लिए बिल्कुल तैयार है, लेकिन तभी एक जॉन नाम का सीनियर ऑफिसर चाओ को आकर बचा लेता है। अब चाओ और जॉन बिल्डिंग में जाकर गेट को बंद करने लगते हैं, लेकिन तभी सांप जॉन को झटके से फेंक देता है, हालांकि तब तक गेट बंद हो जाता है। अब सांप को देखकर दोनों सोचने लगते हैं कि बचने के लिए कोई और अच्छा तरीका ढूंढना ही पड़ेगा। चाओ और जॉन गेट के पास जाकर देखते हैं कि ऊपर एक रस्सी है, जिससे होते हुए वो दूसरी बिल्डिंग तक पहुंच सकते हैं। अब सांप बाहर बैठकर दोनों का इंतजार कर रहा होता है, लेकिन जॉन और चाओ धीरे धीरे रस्सी से दूसरी बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। अब आधा रास्ता तय करने के बाद रस्सी हिलने लगती है और जॉन का फोन नीचे सांप के सर पर लग जाता है, जिससे सांप का ध्यान दोबारा दोनों की तरफ चला जाता है। अब उसी समय वो रस्सी भी टूट जाती है, लेकिन खुशकिस्मती से दोनों सांप के वार से बचकर दूसरी बिल्डिंग में सही सलामत पहुंच जाते हैं। अब दोनों बाकी सभी लोगों के पास पहुंच जाते हैं
और फिर मोना चाओ को देखते ही उसको गले लगा लेती है। अब इससे पहले कि दोनों के बीच और कुछ हो, चाओ सभी को बताता है कि रेस्क्यू टीम यहाँ पर कभी भी पहुँच सकती है, लेकिन तब तक सभी को बिल्डिंग में छुपकर अपनी जान बचानी होगी। चाओ और मोना बिल्डिंग में जरूरत की चीजें ढूंढने लगते हैं और उसी वक्त एक लड़की मैजी और उसका बॉयफ्रेंड जे अपने कमरे से डरे हुए बाहर निकलते हैं। दोनों चाओ और मोना के साथ बाकी बचे हुए लोगों के पास जाते हैं और फिर चाओ लड़कियों को भागने के लिए कपड़े देता है जो उनके लिए कंफर्टेबल हो। फिर जय की रेस्क्यू टीम से बात करने पर पता चलता है कि पुलिस अगले 5 घंटों तक वहां नहीं पहुंच सकती है। अब ये सुनकर सभी घबरा जाते हैं कि तब तक हम जिंदा कैसे रहेंगे, लेकिन जय सभी को बताता है कि उसकी गाड़ी से सब यहां से बचकर निकल सकते हैं। सभी जय के साथ जाने लगते हैं पर चाओ सभी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। फिर सभी लोग वहां से पार्किंग की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन वहां बीच रास्ते में सांप शिकार के इंतजार में बैठा हुआ है और अब वो लोगों को निगलने लगता है। फिर चाओ सबको अंदर आने के लिए कहता है और सब ऊपर भागने लगते हैं। अब सांप सभी का पीछा कर रहा होता है। मोना के पीछे देखने पर पता लगता है कि उसकी एक दोस्त को सांप ने दबोच लिया है। फिर वो अपनी जान की भीख मांगती है और चाओ मोना को समझाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है, उस लड़की को नहीं बचाया जा सकता और भागने के अलावा उन लोगों के पास और कोई रास्ता भी नहीं है। अब सांप को अभी भी पीछे आते हुए देखकर सभी लोग और तेजी से छोटे सांपों से भरे हुए हॉल से बचकर भाग जाते हैं। फिर एक कमरे में पहुंचकर जॉन और चाओ सांप को अंदर आने से रोकते हैं और लड़कियां वहीं पड़े कुछ कपड़ों से एक रस्सी बनाती है और खिड़की से उसको नीचे डाल देती है। अब एक एक करके सभी रस्सी से नीचे जा रहे होते हैं, लेकिन चाओ पीछे रह जाता है और सांप उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन बड़ी मुश्किल से चाओ खिड़की से नीचे कूद जाता है और नीचे खड़े हुए लोग उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन दोस्तों अभी खतरा टला नहीं है, सांप खिड़की से बाहर निकलकर फिर उनके पीछे हो जाता है और अब भागते भागते सभी लोग कैफेटेरिया पहुंच जाते हैं और फिर चाओ जे से लड़ता है क्योंकि उसी की वजह से सभी खतरे में पड़े। लेकिन जय मोना को टारगेट करते हुए कहता है कि मोना ने भी अपने दोस्त को पीछे मरने के लिए छोड़ दिया था और फिर इससे गुस्सा होकर मोना जे को थप्पड़ मारती है और दोबारा ऐसे कुछ बोलने के लिए जे को सावधान करती है। अब बहस खत्म होने से पहले ही सांप वहां भी घुस जाता है और फिर सभी को वहां से भागना ही पड़ता है। अगर दोस्तों आपके कॉलेज या स्कूल में अगर इतने सारे सांप घुस आए तो आप क्या करेंगे, कमेंट कर जरूर बताइएगा, मजा आएगा सुनकर। अब सभी जाकर कोल्ड स्टोरेज एरिया में पहुंच जाते हैं। अब सांप उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच तो जाता है, लेकिन इस बार उनको ढूंढ नहीं पाता और वहां से उल्टे पांव चलाता है। अब सब लोग निकलने वाले होते हैं मगर बहुत सारे छोटे छोटे सांप वहां जाते हैं और चाओ तापमान को घटता हुआ देखता है जिसकी वजह से सभी को बहुत ही ठंड लगने लगती है, लेकिन तापमान के कम होने की वजह से सांप सोने भी लगते हैं और इसी मौके का फायदा उठाकर सभी लोग चुपचाप वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन मोना जमीन पर गिर जाती है और सांप उसको घेर लेते हैं। फिर चाओ जैसे तैसे करके मोना को बचा ही लेता है, लेकिन वहां से बचकर निकलने से पहले उसे एक सांप काट लेता है। अब सब लोग चाओ को बचाने के लिए इमरजेंसी रूम में पहुंच जाते हैं। हालात बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है जिसकी वजह से मोना चाओ की बॉडी से उस जहर को निकालती है और चाओ के होश आने के लिए सभी वेट करते रहते हैं और दूसरी तरफ वो बड़ा सांप सभी को ढूंढने में लगा हुआ है कि कहां चले गए। और फिर यहां धीरे धीरे चाओ को होश आ जाता है और वो मोना का शुक्र अदा करता है। अब एकदम से जॉन आकर बताता है कि 5 घंटे तो निकल गए हैं और रेस्क्यू टीम का भी कुछ पता ही नहीं चला। फिर जे के पुलिस को कॉल करने पर पता चलता है कि रेस्क्यू टीम लेट हो गई है और कल से पहले कॉलेज नहीं पहुंच सकती है और एक बार फिर सभी दुखी हो जाते हैं। और चाओ के पास एक और प्लान है, लेकिन उन्हें यहां से अभी निकलना होगा क्योंकि सुबह तक उनकी जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है, इसलिए कैसे भी करके यहां से बचकर जे की गाड़ी तक पहुंचना ही होगा। फिर सभी लोग जरूरी सामान पैक करने लगते हैं, लेकिन एक लड़की जे को सिरिंज रखते हुए देखकर समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है और जे को एक अकेले कमरे में लेकर जाती है जहां पता लगता है कि जे की गाड़ी 2-सीटर है। बताओ अब दूसरी तरफ अपनी सीट बनाने के लिए लड़की जे के साथ कुछ भी करने को तैयार हो जाती है और ऑफर सुनते ही जे खुद को रोक नहीं पाता और दोनों फिजिकल होने लगते हैं, पर यह सब जे की गर्लफ्रेंड देख लेती है और कमरे में आ जाती है। फिर जे डर के मारे वहां से दबे पांव भाग जाता है। अब इससे पहले कि दोनों की हाथापाई शुरू हो, मैजी सांप को आता हुआ देख लेती है और मौके का फायदा उठाकर दूसरी लड़की को सांप का शिकार बनने के लिए धक्का दे देती है और सांप शिकार करके डकारने का भी समय नहीं लेता और अगले शिकार के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ होता है। तभी मैजी वहां से जान बचाकर भागती है, लेकिन सांप भी उसका पीछा नहीं छोड़ता और पकड़ता रहता है उसको। और फिर मैजी भागते भागते सभी के पास पहुंचकर उनकी जान भी खतरे में डाल देती है और दोस्तों एक बार फिर से सभी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब सांप पीछे पीछे शिकार आगे आगे, सांप पीछे पीछे शिकार आगे आगे। चाओ सांप को गन से शूट करता है जिससे जॉन को कार स्टार्ट करने का समय मिल जाए। सभी कार में बैठकर निकल तो जाते हैं, लेकिन बीच कैंपस में कार की गैस खत्म हो जाती है और खुद से भागने के अलावा अब कोई तरीका नहीं बचा है। जॉन भी पीछे रह जाता है और सांप उसका शिकार कर लेता है और फिर सभी जैसे तैसे पार्किंग लॉट तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां वो 2-सीटर कार देखकर सभी की आंखें फटी रह जाती है कि अरे ये क्या है।
अब चाओ समझाता है कि जे ने सबको धोखा दिया है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जे चाओ को इंजेक्ट कर देता है और जे और मैजिक कार में बैठने लगते हैं, लेकिन सांप शिकार के लिए सामने तैयार खड़ा है। तभी जे अपने आप को बचाने के लिए मैजिक को आगे कर देता है और सांप मैजिक का शिकार तो करता है, बाकी जे को भी निकल ही जाता है। अब इससे बाकी सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, लेकिन रास्ते में ही चाओ के पैर पैरालाइज हो जाता है। यहाँ सांप उन पर शिकार करने ही वाला होता है, लेकिन जॉन सांप को रोकने के लिए उसके ऊपर पटाखे फोड़ देता है और सांप का ध्यान अपनी ओर करता है, जिससे बाकी सभी लोगों को बचकर भागने का समय मिल जाए। अब चाओ को लोगों के मरने का बहुत ही पछतावा होता है, लेकिन मोना उसको समझाती है कि ये समय दुखी होने का नहीं बल्कि हिम्मत से लड़ने का है। फिर चाओ सभी को बुलाकर और भागने के लिए मना करता है और कहता है कि सांप को मारने के अलावा बचने का कोई और तरीका नहीं है। और फिर सांप को मारने के लिए सभी लोग जरूरत का सामान इकट्ठा कर लेते हैं और साथ में चाओ बहुत सारे पटाखे भी लेता है। फिर सभी लोग सांप का डटकर सामना करने के लिए निकल जाते हैं और चाओ हवा में फायर करता है, जिससे सांप का ध्यान उसकी तरफ हो जाता है और वो शिकार करने के लिए वहाँ पहुँचता है। लेकिन सांप के वहाँ पहुँचने पर पता लगता है कि ये तो एक जाल है और सभी लोग सांप पर पटाखे फायर करने लगते हैं, लेकिन सांप को हराना इतना भी आसान नहीं है। सांप अपनी पूंछ से मोना को गिरा देता है और उसका शिकार करने पहुंच जाता है और तभी चाओ मोना को बचाने के लिए सांप पर पटाखों की बरसात कर देता है, लेकिन इस सबसे भी सांप पर कुछ ज्यादा असर नहीं पड़ता और फिर चाओ एक बार फिर से पटाखे का पूरा डब्बा सांप के मुंह में फायर करता है, जिसकी वजह से सांप को काफी दर्द झेलना पड़ता है। और इसी समय सभी लोग सांप पर फायरिंग भी करते हैं। अब सांप जमीन पर गिर जाता है और सभी सोचते हैं कि मर गया होगा और उसको देखने जाते हैं, लेकिन सांप एक झटके में उठकर लड़की को निकल जाता है और बाकी लोगों को फेंकने लगता है। चावर मोना एक बार फिर अपनी पूरी जान लगाकर पटाखों से सांप को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे सांप का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वह सभी को गुस्से में फेंकने लगता है। अब सांप का ध्यान मोना की तरफ जाता है। इससे पहले कि सांप मोना का शिकार करे, चाओ सांप के सर पर वार करता है, जिससे सांप को काफी हद तक दर्द पहुंचता है, पर इतने सब के बाद भी सांप को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और फिर आखिर में चाओ अपना बैकअप प्लान इनिशिएट करता है। चाओ सांप के ऊपर गैसोलीन की बरसात कर देता है और खुद को भी खतरे में डालकर मोना को आग लगाने के लिए कहता है। इसके लिए मोना मना करती है, लेकिन इसी दौरान सांप को चाओ को निकलने का मौका मिल जाता है। अब ये देखकर मोना दुखी हो जाती है और स्विच से फायरिंग ऑन कर देती है और सांप जलकर जमीन पर गिर जाता है और आखिर में मर जाता है। कोई भी जीत का जश्न नहीं मनाना चाहता, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। कमाल की बात तो देखिए, चाओ सांप के मुंह से बचकर बाहर निकल आता है और मोना उसको गले लगा लेती है और जॉन भी जैसे तैसे बच जाता है और रेस्क्यू टीम भी कैंपस में पहुंच जाती है और फिर जिंदा लोगों को बचा लिया जाता है। मोना चाओ की चोट पर पट्टी लगाती है और चाओ को किस भी करती है। इतना ही नहीं, उसकी जान बचाने के लिए चाओ भी खुश होकर मोना को गले लगा लेता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। दोस्तों हैप्पी एंडिंग तो नहीं कह सकते इसे, लेकिन हाँ एक सीख जरूर मिलती है कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और मुश्किलों का डट कर सामना करना चाहिए। तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपके कॉमेंट्स भी हमारे लिए बेहद जरूरी है और हाँ साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। And finally, thanks for watching.